इन दिनों ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल 2021 सुर्खियों में है और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो चुका है। इस मुद्दे पर मीडिया में डिबेट भी देखने को मिली। आज की इस वीडियो में बात ओबीसी बिल पर हुई मीडिया की डिबेट की करेंगे। इस वीडियो में हम गोदी मीडिया और अन्य मीडिया की डिबेट में हुए सवालों के अंतर को जानेंगे। देखते हैं गोदी मीडिया में इस मुद्दे पर किस तरह की चर्चा हुई। पहले बात करते हैं जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की। वे अपने वीडियो में ओबीसी बिल पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं वे क्या जानकारी दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस बिल को 14 विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल था। यानी जब बात आरक्षण की होती है, जब बात जातियों की होती है, तो विपक्षी पार्टियां सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही 39 ऐसी जातियों की लिस्ट तैयार करके रखी हुई है जिन्हें ओबीसी में शामिल करने की उनकी योजना है। बाकी राज्यों की सरकारें भी आने वाले दिनों में ऐसा ही कर सकती हैं। और यहाँ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उससे पहले अलग अलग जातियों को ओबीसी में शामिल करने की नई दौड़ राज्य सरकारों के बीच, अलग अलग पार्टियों के बीच शुरू हो सकती है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को फायदा होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि अभी भारत में आरक्षण की जो सीमा है वो 50% है, 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर एक डिबेट आज तक पर भी हुई। देखिए आज तक के पत्रकार ओबीसी बिल पर कितने तीखे सवाल कर रही हैं। ओबीसी के नाम पर पक्ष विपक्ष सब काम पर। जी हाँ, जाति जनगणना कराने से संसद में आज फिर सरकार ने इनकार कर दिया है। राज्यसभा में सरकार ने लिखित जवाब में जाति जनगणना कराने से मना कर दिया। लेकिन सरकार के इस इनकार के बावजूद न सिर्फ एनडीए बल्कि बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर तूफान उठता दिख रहा है। कल बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान जाति जनगणना का समर्थन कर दिया। इसीलिए आज गंगल में हम मुद्दा उठा रहे हैं कि जब एनडीए के कुछ साथी, बीजेपी के कुछ नेता और विपक्ष के दल जाति जनगणना की मांग का समर्थन कर रहे हैं तो सरकार के हिचक क्यों है? क्या जाति जनगणना पर सरकार अपनों में ही घिर गई है? विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जाति जनगणना का पुरजोर समर्थन किया था, ऐसे में अब क्या हुआ जिससे सरकार जाति जनगणना से पीछे हट रही है? अब की बार ओबीसी सरकार कई मंचों पर इस तरह की बातें रख चुकी है सरकार सामने। यूपी से जिन चेहरों को लेकर आए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको भी बताते हुए यही रखा गया कि ओबीसी और पिछड़े समाज को हमने जगह दी अपने मंत्रिमंडल में। न्यूज नेशन पर भी इस मुद्दे पर डिबेट हुई। देखिए वे इस मुद्दे पर क्या जानकारी दे रहे हैं और सवाल किस पर उठा रहे हैं। और ओबीसी आरक्षण बिल सभी की मजबूरी था, इसलिए जरूरी भी हो गया। इसीलिए सब लोग शांति से लोकसभा में बैठे रहे और देर शाम तक न केवल बैठे बल्कि बिल को पास भी किया। संजू वर्मा जी, 2018 में आप लोगों ने इसे खत्म किया, 2021 में आप लोग फिर इसको लेकर आ गए, तो अपनी ही गलती की सुधार है, इसमें बड़ी बात क्या है? और आपने तब इसको सुधारा जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा। चलता हूं आशुतोष, मुझे बताइए क्या ये मोदी सरकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? उत्तर प्रदेश से पहले जहां पर 50% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है और गुजरात जहां पर लगभग 60% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है और पाटीदार और मांग कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या मोदी सरकार की मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण? संजू वर्मा जी, फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। जो लोग अभी 3 रोटी खा रहे थे, वो 3 रोटी जो है अगर 3 लोग खा रहे तो 5 लोगों में बटेगी, भूखा रह जाएगा आदमी। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो अक्सर सरकार से सवाल करता नजर आता है। सबसे पहले बात वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की करते हैं। इस मुद्दे पर भी रवीश कुमार अपने शो में सरकार पर तंज कसते नजर आए। लखनऊ में लगी होर्डिंग की बनावट और प्रस्तुति से प्रेरित होकर एक अलग ग्राफिक्स बनाते हैं, फोटोशॉप भी कह सकते हैं। ओबीसी के मंत्री बनाने पर प्रधानमंत्री को आभार वाली होर्डिंग में प्रधानमंत्री को रहने देते हैं, लार्जर देन लाइफ वाली, क्योंकि उनकी जगह स्थायी है। जहां आभार लिखा है वहां सवाल लिख देते हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल, कब भरे जाएंगे ओबीसी के खाली पद, कब भरे जाएंगे एससी एसटी के खाली पद, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब भरे जाएंगे खाली पद। 3 साल से जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, तो जवाब 6,000 के आसपास ही होता है। जबकि 2017 में प्रकाश जावड़ेकर बोल चुके हैं कि 1 साल में सारी भर्ती पूरी होगी। फिर उसके अगले साल 26 जुलाई 2018 को शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में क्या जबरदस्त ऐलान किया कि 3 साल के भीतर केंद्र समेत सभी विश्वविद्यालयों के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। कितनी बहाली हुई कोई नहीं जानता। इस मुद्दे पर एक डिबेट News24 पर भी हुई। एंकर ने जाति जनगणना न होने पर कुछ जानकारी दी। इसके अलावा वे इस मुद्दे पर और भी अधिक जानकारी देते नजर आए।
और अगर हम अपनी व्यवस्था की बात करें तो देश में राष्ट्रपति बनाए जाते हैं लेकिन जात बता दी जाती है कि देखिए हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो गाजे बाजे के साथ यह बताया जाता है कि देखिए हमने इतने ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग मंत्री बना दिए। पूरा चुनाव ही, वो लोकसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, जात पात के नाम पर लड़ा जाता है। पर इसमें इस सिक्के का एक और पहलू है आरक्षण की इस नीति का, कि सामान्य वर्ग उनका जो दायरा है, उनके पास जो सीटें हैं मेडिकल में, नौकरियों में, वो लगातार घटती जा रही हैं और वो और घटेगी क्या जो जाति की राजनीति फिर सर उठाने लगी है। काम जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, जाति टूटेगी या दरअसल हकीकत जब तक नहीं मालूम होगी हम जाति को तोड़ेंगे कैसे। ओबीसी बिल पर कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी दी। उन्होंने अपने वीडियो में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। आपका सवाल होगा ओबीसी के दायरे में किसी जाति के आने का मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि उसको आरक्षण मिल जाता है और उसके बाद जिस आरक्षण के तहत उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वह 100% के बीच में नहीं होता है, उसको 27% आरक्षण उसके दायरे में आ जाता है, यानी उसको कुछ सुविधाएं मिल जाती है। आपका अगला सवाल होगा लेकिन नौकरी तो है नहीं तो आरक्षण कहां मिल जाता है। यह सवाल जायज है। इस देश के भीतर में नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, आरक्षण किसके काम आएगा। जो ओबीसी के दायरे में लाने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल लाया गया, इसके ठीक समानांतर उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति ही चल पड़ी है। यानी जहां जहां जो जो आंदोलन चल रहे थे वो सभी आ जाएंगे। राज्य की राजनीति जो है जातियों के आधार पर अगर चलेगी तो उन जातियों को वह अपने मोहपाश में बांधेगी और कहेगी कि हम आपको यह दाना दे रहे हैं, अब आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, तो चंद उसमें से निकलेंगे और साथ आकर खड़े हो जाएंगे। आपने दोनों तरफ के मीडिया को ओबीसी बिल पर जानकारी देते हुए सुना। आपके मुताबिक किसने इस मुद्दे पर सही सवाल उठाए और सही जानकारी दी, कमेंट कर जरूर बताएं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।